जालौन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। धड़ल्ले से घर में चल रहे अस्पताल पर प्रशासनिक टीम ने मारा छापा। जिला ब्यूरो चीफ अमित गौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के यहां गई थी गुप्त रूप से शिकायत। डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। कमिश्नर को जांच कराने के दिए निर्देश। प्रशासनिक अधिकारियों ने मारा छापा। बरामद की गई प्रतिबंधित दवाएं। गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही मारने वाली किट भी हुई बरामद। उप जिलाधिकारी अतुल कुमार सिंह सहित सरकारी अमले ने छापा मारकर की बड़ी कार्यवाही। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिबंधित दवाओं तथा अस्पताल में लगे डीवीआर सहित कई अन्य उपकरण किए सीज। मौके पर नहीं मिली अस्पताल संचालिका डिग्री भी। एएनएम जीएनएम की जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र का पूरा है मामला। जिला ब्यूरो चीफ अमित गौर की रिपोर्ट। आपकी टीम ने घर आवास पर छापा मारा और छापेमारी के दौरान क्या बरामद हुआ और किसकी शिकायत पर ये छापा लगी? छापेमारी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट की सारे मेडिसिन इंजेक्शन और जो है ड्रिप सेट वगैरह सब प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि वंदना कुशवाहा के नाम से जो बोर्ड लगा हुआ है उसकी शिकायत निरंतर आ रही थी। उसी के आधार पर कमिश्नर और अन्य ऊपर लखनऊ स्तर से आदेश किया गया कि हम जो है जाकर के चेक करें। तो हमारे एसडीएम साहब जालौन और मैं एडिशनल सीएमओ जालौन दो मिलकर के आके छापा मारा तो सभी जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं और क्योंकि कागज़ प्रॉपर न मिलने की वजह से वो चीज़ें हम सील कर रहे हैं और इनको 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि इस दौरान अपने प्रॉपर वर्क पेपर्स सब आके सबमिट करें तब उसके बाद